आती है और बड़ा मुश्किल है आपको कहीं बुलाना। जाना चाहूंगा आज यहाँ कैसे, यू नो दो एवरीवन नोज अबाउट दिस, यू नो दिस लॉन्च। मैं आज यहाँ पर अपनी बहुत प्यारी दोस्त के लिए आई हूँ जिनका नाम है मारूख, जिन्होंने ये प्रेस इंटरव्यू शुरू होने से पहले मुझे धमका के बोला है कि आप बिल्कुल भी मुझसे बात नहीं कराएंगी। सो मेरा ये प्लान है दैट यू हैव टू हियर हर स्पीक, बट शी इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइंड जिन्होंने मुझे, मैं जिन्हें मैं कई सालों से जानती हूँ। शी स्टार्टेड मेक ओवर विच इज़ द सैलॉन वी आर हियर टू ऑल्सो इनॉग्रेट टूडे, अनदर वन ऑफ अ सैलॉन्स विद अ टू मेंबर टीम, दो चेयर लगाकर 180 स्क्वायर फुट की जगह पे, और वहाँ से आज जहाँ पर शी हैज 3-4 ऑफ हर ओन प्लेसेस, द बिगेस्ट सेलिब्रिटीज कम टू हर, शी इज हैड अ चैलेंजिंग लाइफ मारूख, एंड इन दैट चैलेंज शी इज डिस्कवर्ड स्ट्रेंथ लाइक ओनली अ वुमन लाइक हर कैन। आई एम सो प्राउड ऑफ हर एंड आई एम सो प्रिविलेज्ड कि उन वो इतने सारे लोगों को जानती हैं और इतने सारे लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं, उनकी बहुत इज्जत करते हैं, फिर भी उन्होंने मुझे चुना कि मैं आके उनके लिए ये इनॉग्रेट करूँ। आई फील वेरी वेरी प्रिविलेज्ड, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। एंड नाउ फॉर दैट मोमेंट जिसके लिए मुझे सब मना किया गया था, मारूख से समथिंग। ये मेरा सौभाग्य है कि यू आर देयर विद मी, आई मीन शी इज अ वेरी वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन फॉर लास्ट आई थिंक 12 टू 13 इयर्स आई नो हर। आई एम इन दिस इंडस्ट्री फॉर 15 इयर्स एंड शी हैज बीन अ वेरी वार्म एंड अ वेरी हेल्पफुल पर्सन व्हेनेवर आई नीडेड हर। वी स्पीक एट टाइम्स बट anytime I need her, she is there for me. And I'm so proud today to say that she is there for my inaugural of this place. And I think I've got the world today. देखिए मेरा तो काम ही है खुद को चेंज करते रहना, which is what an actor is. So I think makeover for me is part of my job. But it's an interesting concept. I think other than just the look and the feel and the way you look and dress, as you get older and you get wiser, makeovers keep happening. You know, you look back at it and you say, 10 saal pehle main kya sochti thi, meri soch kaisi thi, main dikhti kaisi thi, mujhe kaun si cheeze pasand thi, aur aaj that's all turned around and been made over fresh and new. That is like life. You should make over. यूनिवर्स बनने से पहले और अब काफी चेंजेस आपने खुद में देखे होंगे। बिल्कुल। मिस यूनिवर्स से पहले मैं एक 18 साल की बच्ची थी जिसने देश के बाहर कभी पैर नहीं रखा था, और 18 से 19 साल एक साल में मैं 33 देश घूम चुकी थी। सो लाइफ वॉज डिफरेंट एंड आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज, जब जिंदगी आपको मौका दे कि किसी चीज़ से बहुत डर लगे और लगे कि ये मुझसे होगा नहीं होगा, वो ज़रूर करना चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो इन दैट वन मोमेंट योर होल लाइफ कुड चेंज, आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। एंड आई एम अ लाइफ एग्जाम्पल ऑफ दैट, मारूख इज़ अ लाइफ एग्जाम्पल ऑफ दैट। बहुत डरती थी ये और बहुत शौक था इन्हें कि मुझे अपना कुछ करना है, एंड शी इज़ वेरी इन टू हेयर, यू नो हेयर एंड मेकअप एंड फैशन, शी इज़ वेरी इन टू दैट ऑल अलॉन्ग। सो हिम्मत करके शी स्टार्टेड इट and today here we are for her fourth place. She really did make over. You are a fashion icon when it comes to, you know, you are a fashion icon, everybody looks up to you. So if given a chance, which Bollywood actress you think needs a makeover according to you? Ki sabse zyada zarurat hai, आप कितनी भी कोशिश कर लें मैं ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल सवालों का जवाब बिल्कुल नहीं दूंगी, और मुझे नहीं लगता कि किसी एक्ट्रेस को मेकओवर की ज़रूरत है। नाइस नाइस नाइस, नहीं 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 जान, मैं अपने डायमंड्स खुद खरीदती हूँ, उसूल है मेरे। आप रिश्ता लेके आए हैं फिर से? नहीं नहीं, देखिए ऐसा है कि मैं हर एक साल, मुझसे ये पूछा जाता है और आपको, यू हैव टू गिव मी पॉइंट्स फॉर बीइंग ऑप्टिमिस्टिक, हर एक साल मैं ये कहती हूँ यस आई थिंक दिस ईयर, बट आई एम स्टिल गोइंग टू बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड से या व्हाई नॉट दिस ईयर मे बी, बट आई विल नॉट रश इट जान मेरी। आई वांट टू मेक श्योर यू गाइस गेट टू एंजॉय नॉट जस्ट अ वेडिंग बट अ लाइफ टाइम ऑफ हैप्पीनेस विद मी, यू नो, एंड दैट्स व्हाट यू शुड विश फॉर, नॉट जस्ट एन एक्साइटिंग वेडिंग एंड अ वेडिंग राइट नाउ।
सुष्मिता योर बंगाली फिल्म आ रही है जी, मैं बहुत एक्साइटेड हूं इसको लेकर। हां सॉरी वो सुनाई नहीं दे रहे जी, मैं बहुत एक्साइटेड हूं बिकॉज जैसे कि आप जानते हैं निर्वाक 1 मई को कोलकाता में रिलीज़ हो रही है मेरी पहली बंगाली फिल्म, और 15 मई को ऑल इंडिया रिलीज़ है। बहुत डरती थी मैं कि मैं अपने बंगाल में जब फिल्म करूँगी तो मुझसे अगर बंगाली ठीक से बोली नहीं गई या मैं अभिनय नहीं कर पाई जिस कदर उनको आदत है देखने की। बट देन आई came in front of the camera and with a director like Srijit Mukherjee, it was like going back to something I loved doing. It was beautiful, the whole experience. It is a very different movie, so please don't expect red sari and singing and dancing. It is a completely experimental cinema, but if I don't do that now at 39, when will I do it? So that's what it is. जी बिल्कुल होगी स्क्रीनिंग, और बहुत सारे लोग आएंगे, प्लस आई वुड लाइक ऑल माई फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया टू कम एंड सी इट, एंड आई विल स्पेशली सिट इन योर कॉर्नर ताकि जहाँ पर भी आपको सब टाइटल्स के अलावा भी ट्रांसलेशन चाहिए तो मैं बीच बीच में बोलती रहूँगी, मुझे आजकल बंगाली बहुत अच्छी आ गई है। नहीं वैसे भी जी मई मेरे लिए एक बहुत ही प्यारा महीना है, मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी अच्छी चीज़ें मई के महीने में हुई हैं, हमेशा मैंने मिस यूनिवर्स भी मई में जीता था। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। मुझे पता था कि आप ये सवाल मुझसे ज़रूर करेंगे, इनफैक्ट आप इतने वेट करने के बाद कर रही हैं, दिस इज़ अ वेरी बिग सरप्राइज। जी मैंने वीडियो बिल्कुल देखा है, आई डिड सी माय चॉइस एंड आई थिंक दीपिका लुक स्टनिंग इन इट एंड सो डू द अदर वुमेन, द 98 ऑफ देम आर हियर एंड देयर स्टनिंग। सी देयर आर टू थिंग्स, एक तो women empowerment is absolutely about choices, but to exercise the choice you need to know your rights. Bagair apne rights, apne haq ko jane, choices bahut dur ki baat hoti hai. You have to learn what your rights are as a woman. I have never stood up to ever kind of say we must fight for it, only because whenever I say that, I say that women are not equal. They are equal. This is our birthright. But yes, our social structure in India does not recognize it like that, which needs to be worked at, which is why rights and educating people very important. Having said which, whether you know, the first day the video came out and everyone exploded with excitement, stunning video, we love it, I love what it says, फिर किसी एक इंसान ने ऑब्जेक्ट किया, फिर दूसरे इंसान ने, और जैसे एक सी ऑफ क्राउड होता है, सब अपनी सोच भूलकर किसी एक रिएक्शन के पीछे पड़ जाते हैं, या तो वो तारीफ होती है या फिर वो गालियाँ होती हैं। सो यू शुडंट डू दैट पीपल, इट्स बेटर टू गेट अप एंड हैव एन ओपिनियन ऑफ योर ओन। नहीं पसंद नहीं पसंद, बट उसे नहीं पसंद तो मुझे नहीं पसंद, इज नॉट द राइट वे ऑफ डूइंग इट। आई लव यू गाइज, वीमेन आर एम्पावर्ड बिकॉज दे आर बॉर्न एज वीमेन मैन। I love you. Thank you so much. Thank you.